उत्तराखंड में बारिश से जुड़े कारणों जैसे फ्लैश फ्लड से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। राज्य में करीब एक दर्जन लोगों के जख्मी होने और लगभग इतने ही लोगों के लापता होने की भी खबर है। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा 28 लोग नैनीताल जिले में मारे गए हैं। अल्मोड़ा में 6, चंपावत में 2, बघेश्वर में 1 और उद्धम सिंह नगर में भी 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 17 और 18 अक्टूबर को भी लोगों ने बाढ़ में अपनी जान गंवाई है। कई घर बाढ़ के साथ ही बह गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मारे गए सभी लोगों के लिए 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। बाढ़ के अलावा उत्तराखंड में भूस्खलन ने भी काफी तबाही मचाई है। फिलहाल बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत बचाव अभियान जारी है और NDRF की 16 टीमें कम से कम 300 लोगों को बचाने में कामयाब रही हैं। हालांकि कोसी नदी जैसे जल निकायों में खतरे के निशान से ऊपर बह रहा पानी और तबाही मचा सकता है। फॉरेस्ट रिजॉर्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पूर्वी किनारे पर बहने वाली इस नदी से वन्य जीव और वहां फंसे पर्यटकों की जान खतरे में है। आधिकारिक डाटा के अनुसार पिछले एक दिन में कोसी में 227 मिलीमीटर से लेकर 530 मिलीमीटर तक की बारिश हुई है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में कई जगहों पर हो रही तबाही की शुरुआत मंगलवार को नैनीताल जिले में बादल फटने से आई फ्लैश फ्लड से हुई है। नैनीताल समेत उत्तराखंड के कई जिले बाढ़ और लैंडस्लाइड के लिहाज से पहले ही संवेदनशील हैं और ऐसे में हमेशा ये जिले चिंता का कारण रहते हैं। चंपावत जिले के चंपावत मंच तामली रोड पर कई जगहों को भूस्खलन के लिहाज से सेंसिटिव माना गया था। 2017 में सरकार ने नैनीताल को इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने की भी पैरवी की थी। उसने कहा था कि जिले के आसपास कोई भी कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाना चाहिए। इस तरह अल्मोड़ा में शहरीकरण के कारण ओक के पेड़ों की भारी कटाई हुई है, इससे क्षेत्र में बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। जानकार बताते हैं कि एक बड़ा ओक का पेड़ 5400 गैलन तेज रफ्तार से आ रहे पानी के प्रवाह को रोक सकता है। खबरों की माने तो अल्मोड़ा और रानीखेत कल आई बाढ़ के बाद से हवाई और जमीनी रास्ते के जरिए उत्तराखंड से पूरी तरह कट चुके हैं। वहीं नैनीताल हल्द्वानी रामनगर गर्जिया अल्मोड़ा भोवाली अल्मोड़ा काठगोदाम चोरगलिया सितारगंज भीमताल पद्मापुरी और बेताल घाट खैरनाथ सड़कें पूरी तरह ब्लॉक हैं। लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड जैसी प्राकृतिक आपदा दुनिया के कई पहाड़ी इलाकों में चिंता का कारण है और भारत ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं। 17 अगस्त 1998 को कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान पिथौरागढ़ जिले के मालपा इलाके में हुए लैंडस्लाइड में 60 यात्रियों समेत 221 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे ही ओखीमठ क्षेत्र की मध्य महेश्वर घाटी में रुद्रप्रयाग जिले में 9 से 12 और 17 से 19 अगस्त 1998 में हुए लैंडस्लाइड में 103 लोग मारे गए थे और इस लैंडस्लाइड की वजह से 47 गांवों का सफाया हो गया था। उत्तराखंड सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड के कारण 220 लोगों की मौत हुई थी। 2013 में भी 16 से 17 जून को हुई लैंडस्लाइड की घटनाओं में 106 लोग मारे गए थे। साल 2001 से 2013 के बीच लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड में 5000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। उत्तराखंड में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तराखंड में अब इस तरह की घटनाएं आम बात हैं। जानकारों का मानना है कि राज्य में हो रहे इकोलॉजिकल बदलाव के कारण राज्य में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड जैसी आपदा आती है। जानकारों का मानना है कि लंबे समय से हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में हाइड्रो पावर और खड़ी ढलानों पर अक्सर अनियंत्रित निर्माण के कारण क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच रहा है। उत्तराखंड में चार धाम परियोजनाएं जैसी कई बड़ी योजनाओं पर काम चल रहा है। बहरहाल प्रशासन का कहना है कि राज्य में आई बाढ़ के बाद पानी का स्तर नीचे जाने लगा है, लेकिन हालातों के सामान्य होने में कुछ दिन का वक्त और लगेगा। इस बीच भी पुलिस ने पुष्टि की है कि चार धाम यात्रा जिसे कि बाढ़ के कारण कल रोक दिया गया था, इसे जोशीमठ से बद्रीनाथ तक की मंजूरी मिलने के बाद फिर से शुरू कर दिया जाएगा। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।